पिताश्री कंस्ट्रक्शन लाए हैं खुशियों की सौगात। जी हाँ, अब बनाएं अपने सपनों का घर पिताश्री कंस्ट्रक्शन के साथ बेहतर गुणवत्ता और उचित दामों पर। आज ही संपर्क करें 7415985877। इन दिनों प्रदेश में अवैध शराब माफियों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां अवैध शराब के खात्मे को लेकर अब प्रशासन जगह जगह कार्रवाई कर रहा है। ऐसी ही एक और कार्रवाई सागर की उपनगरी मकरोनिया में देखने को मिली, जहां पुलिस ने मकरोनिया थाना अंतर्गत 50 जगह पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें 15 लोगों को अवैध शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जिनमें पकड़े गए शराब कारोबारियों में विनय यादव, सुरेंद्र चौधरी, दीपेश कुर्मी, बलबीर कुछबंदिया समेत 15 लोगों को हिरासत में लेकर इनके पास से गई अवैध शराब को जब्त किया गया है। प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। वहीं पुलिस की माने तो पकड़ी गई शराब का पहले FSL परीक्षण कराया जाएगा, इसके बाद शराब कारोबारियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। समय से अवैध शराब बिकने की सूचना आ रही थी, इस पर बहेरिया थाना प्रभारी से लाइन थाना प्रभारी साथ मिल करके ऐसे स्थानों पर दर्ज की गई तथा आरोपियों को पकड़कर उन पर 15 ऐसे ठिकाने बनाए गए हैं। मकरोनिया से जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।